और बाद इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज ही कर लेंगे। बड़े कारोबारी सज्जन जिंदल पर एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया है। सज्जन जिंदल पर जनवरी 2022 में मुंबई में अपने ऑफिस में लड़की के साथ रेप करने का आरोप है। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। लड़की ने सज्जन जिंदल पर होटल में कई बार बुलाने और जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है। बताया ये गया कि पीड़ित लड़की का भाई और आरोपी सज्जन जिंदल एक दूसरे को जानते हैं। दोनों रियल स्टेट का कारोबार करते हैं। 2021 में दुबई में एक क्रिकेट मैच के दौरान सज्जन जिंदल से पीड़ित की मुलाकात हुई थी और जिसके बाद दोनों की आगे मुलाकातें बढ़ती चली गई। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कारोबारी सज्जन जिंदल पर एक लड़की के द्वारा रेप का गंभीर आरोप लगाया गया है। सज्जन जिंदल पर जनवरी 2022 में मुंबई में अपने ऑफिस में लड़की के साथ रेप करने का आरोप है। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लड़की ने सज्जन जिंदल पर होटल में कई बार बुलाने और जबरदस्ती रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित लड़की का भाई और आरोपी सज्जन जिंदल एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। दोनों रियल स्टेट का कारोबार करते हैं। 2021 में दुबई में क्रिकेट मैच के दौरान सज्जन जिंदल से पीड़ित की मुलाकात हुई थी और जिसके बाद दोनों की मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। और फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये सूरत की है, जहां पर आप तमाम कारोबारियों के साथ साथ तमाम वो लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर सुनने के लिए बैठे हुए हैं। और फिलहाल आप मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी देख रहे हैं, जो कि सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। ये वही डायमंड बोर्ड्स होगा जो कि पेंटागन, जो 80 सालों से डायमंड के मर्केंडाइज के लिए सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती थी, सबसे बड़ा दफ्तर माना जाता था, उससे भी बड़ा ये बनेगा। 80 सालों का जो लगातार रिकॉर्ड रहा है पेंटागन का, उसको आज ये बिल्डिंग तोड़ देगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया था। और ऐसे में अब जबकि सूरत में तमाम व्यापारियों की मौजूदगी रहती है और ट्रेड और टूरिज्म के नाम पर अगर बात की जाए तो ये हवाई अड्डा जहां एक तरफ बहुत महत्वपूर्ण था, वहीं ये बिल्डिंग कहीं ना कहीं हवाई अड्डा साथ में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि सूरत अपने कपड़ा व्यापार के लिए और साथ साथ अपने डायमंड व्यापार के लिए जाना जाता है। और ऐसे में ये दोनों ही जो सौगातें हैं ये गुजरात में ट्रेड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल माल्यार्पण होता हुआ जो गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल मंचासीन होते हुए मंच पर ठीक नरेंद्र मोदी के बगल में, और ये बड़े सौगात के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से न सिर्फ तमाम देशों की जो यात्राएं हैं वो महज 10 घंटे में पूरी हो जाएंगी, वहीं जो व्यापार है वो बाहर से अंदर आता हुआ भी दिखाई देगा। तो फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग इस वक्त मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से कतारबद्ध होकर लाइन से बैठे हुए हैं। संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक ललित और महेश से अभी दिल्ली में ही पूछताछ जारी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी बार बार अपना बयान बदल रहे हैं।